उसके बाद लॉकडाउन में फिर नरमी। जनवरी पंजाब भर में मार्केटें खुल गई हैं। मुल्तान की मार्केटों में आवाम का सैलाब उमड़ आया। शहरियों ने कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर को ही भुला डाला। मुकर्रर वक्त खत्म होने के बाद भी खरीदो फरोख जारी रही। दुकानदार भी दुकानों पर हाथ से पैसे बटोरने में मसरूफ रहे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सुहरा तारिक। ईद में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद हुसैनागंज बाजार, गदेजी मार्केट, कैंट बाजार और गुलशन मार्केट समेत शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और बाजार खुल गए। खरीदारी के लिए बाजार में खवातीन का रश लग गया। खवातीन कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाए बगैर बाजार में खरीदारी में मसरूफ हैं। काफी दिन बाद दुकानें खुली हैं और मैं आई हूँ ईद की शॉपिंग के लिए। बाजारों में खवातीन ईद के कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी, पर्स और मैचिंग चूड़ियों समेत दीगर सामान की खरीदारी में मसरूफ हैं। मैं अपनी अम्मी के साथ काफी दिनों बाद बाजार आई हूँ। खवातीन सामाजिक फासला रखना और मास्क पहनना भी भूल गईं। बाजारों में रश से कोरोना के फैलने का खतरा है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। अब आपको बताएं, हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स माबैन मुजाकरात नाकाम। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, गाड़ियां सड़कों पर चलाने से इनकार, बस स्टैंड पर वीराने, हुकूमती एसओपीज को मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि दो सीटों पर एक मुसाफिर नहीं बिठा सकते। लॉकडाउन के बाद गाड़ियों का पहिया चलने से पहले ही रुक गया। लॉकडाउन के बाईस ट्रांसपोर्टर्स को लंबे अरसा बाद गाड़ियां चलाने की मशरूत इजाजत मिली तो उन्होंने इनकार कर दिया और गाड़ियां अड्डों पर खड़ी करके न सिर्फ हड़ताल की बल्कि एहतजाज भी किया। कहते हैं दो नशिस्तों पर एक सवारी नहीं बिठा सकते। बस में जो 20 सवारियां बैठे हैं या 22 बैठे हैं, उसमें अगर 22 बैठे हैं तो एक सवारी को डबल किराया पे करना पड़ेगा, तो वो गरीब आदमी है, वो कहाँ से पे करेंगे। लिहाजा उस गरीब आवाम का भी सोचें और ट्रांसपोर्टरों का भी सोचें। तीन दिन हो गए पहले आए बैठे हैं कि भाई गाड़ियों को निकाल के काम शाम करवा के और उनको निकालेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन जब इधर पहुंचे हैं तो इनके जो हकूक गवर्नमेंट ने लगाए ना, ये हमारे से नहीं उठाए जाते। दूसरी जानिब ईद के मौका पर रोजगार की गर्ज से शहर के बाहर से आए परदेशियों ने घर वापस लौटना चाहा तो बस अड्डों पर पहुंचकर ठोकरें खाना शुरू कर दी। कहते हैं जिस बस अड्डे पर भी गए वहां पर हड़ताल जारी है। मैंने कहीं जाना था, अड्डे पे हूँ, गाड़ियाँ सुना गाड़ियाँ चल रही हैं, आ गया तो गाड़ी वाले हड़ताल करेगा, अब हम किस चीज पे जाए। अड्डे पे हड़ताल हुई हुई है और क्या नाम है, गाड़ियाँ बंद है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने घर जाना और लहजा हुकूमत से अपील है भी ये हड़ताल खोली जाए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी, जबकि मुसाफरों का कहना है हड़ताल के बायस अपने प्यारों से मिलने घर जाएं तो कैसे जाएं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। मुल्तान में फ्लोर मिल्स की हड़ताल का दूसरा रोज। सरकारी कोटा न मिलने से मिल से इंतजामिया की जानिब से गंदम उठाने के मामले पर मालिकान की जानिब से मिल्स बंद हैं। दूसरी जानिब आटी की सप्लाई बंद होने से दुकानदार भी परेशान हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इकबाल सादिक। हड़ताल पर हड़ताल, एक तरफ ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों का पहिया रोक दिया तो दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटा बनाने वाली मशीनें रोक दी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से जारी हड़ताल का आज दूसरा रोज है, जिससे एक दफा फिर शहर भर में आटे के बुहरान का शदीद खतरा मुंडलाने लगा है। दुकानदारों का कहना है कि फ्लोर मिल्स से आटे की सप्लाई बंद कर दी गई है। गंदम के सीजन में अगर आटा हमें नहीं मिलेगा तो दो महीने बाद, तीन महीने बाद, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें किसी और मुल्क से मंगवाना पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि कोई गरीबों के लिए हम आटा तो कम से कम हमारे मुंह में जाने दें। काम पहले भी नहीं है, ऊपर से ये आटा बंद हो जाए तो हमारे लिए ज्यादा परेशानी है। कोई शपथ फरमाए, गवर्नमेंट को कोई एहसास होना चाहिए, गरीब आवाम बहुत मजबूर है, पहले भी मजबूर है, हमें भूखा ना मारे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक इन्हें गंदम का सरकारी कोटा नहीं मिल रहा। 1500 रुपए मन प्राइवेट गंदम खरीदकर 805 रुपए में 20 किलो आटे का थैला बेच नहीं सकते। पिसाई के लिए जो थोड़ी बहुत गंदम मौजूद होती है, डर होता है इंतजामिया वो भी ना उठा ले। हुकूमत की जो है ना, ये पॉलिसी गलत है और नाकिस पॉलिसी है, क्योंकि पीक सीजन है इस वक्त गंदम का और ये मिलों को जो है ना गंदम देनी चाहिए इन्हें, और ताकि जो है ना आवाम में आटा जो है ना दस्तयाब हो। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से अगर हड़ताल जारी रही तो ना सिर्फ आटे का बुहरान पैदा होगा बल्कि आटे की कीमत भी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ इकबाल। आपको अपडेट करेंगे ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के लिए वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत मीटिंग। बुध से जुजवी ट्रेन ऑपरेशन शुरू करने पर इत्तफाक। इंसदादे कोरोना के एसओपीज पर अमल दरामद के साथ 30 ट्रेनें चलाने पर इत्तफाक हो गया। जरा कैसा कहना है, जबकि कोताही की सूरत में रेलवे कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन ऑपरेशन बहाली पर मुसाफिरों को ऑनलाइन बुकिंग से
टिकट्स मिल सकेंगे। ट्रेन में दौरान सफर समाजी फासला पॉलिसी पर अमल दरामद लाजमी किया जाएगा। मुसाफिरों को ट्रेन की रवानगी से एक घंटा कबल स्टेशन पहुंचना होगा। मुसाफिरों के पास अपने मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर्स और साबुन लाजमी रखना होगा। आपको अपडेट करें हैं, ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के लिए वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत मीटिंग, बुध से जुजवी ट्रेन ऑपरेशन शुरू करने पर इत्तफाक। जराए के मुताबिक इंसदाद कोरोना के एसओपीज पर अमल दरामद के साथ 30 ट्रेनें चलाने पर इत्तफाक हो गया। कोताही की सूरत में रेलवे कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन ऑपरेशन बहाली पर मुसाफिरों को ऑनलाइन बुकिंग से टिकट मिल सकेंगे। ट्रेन में दौरान सफर समाजी फासला पॉलिसी पर अमल दरामद लाजमी किया जाएगा। मुसाफिरों को ट्रेन की रवानगी से एक घंटा कबल स्टेशन पहुंचना होगा। मुसाफिरों के पास अपने मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और साबुन रखना लाजमी होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ट्रेनें चलेंगी मगर किराया क्या होगा, फैसला ताहाल नहीं हो सका। रेलवे हेडक्वार्टर इजाजत के बावजूद खसूसी ट्रेनों के किराए मुकर्रर नहीं कर पाई। किरायानामा चीफ कमिश्नर, कमर्शियल मैनेजर, चीफ मार्केटिंग मैनेजर, सीनियर रेट ऑफिसर और आईटी की मुशावरत से मुकर्रर किया जाएगा। ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन का दर्जा दे दिया गया तो किरायों में इजाफा होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की हिदायत के मुताबिक किरायानामा मुकर्रर किए जाएंगे। इस हवाले से मौजूद हैं नुमाइंदरोही सईद अहमद सईद। जी सईद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रेनें जरूर चलेंगी मगर किराया क्या होगा, ताहाल फैसला है वो नहीं हो सका। और लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से इजाजत मिलने के बावजूद जो ट्रेनों का किराया है वो मुकर्रर करने में ताहाल नाकाम है, वो दिखाई दे रहा है। और जराए के मुताबिक कल परोस मंगल जो है लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में चीफ कमर्शियल मैनेजर और चीफ मार्केटिंग मैनेजर समेत सीनियर रेट ऑफिसर और आई टी के मशावरत से जो इसका किरायानामा है वो मुरतब किया जाएगा। और जराए का ये कहना है कि अगर तो इन 30 ट्रेनों जिनमें 15 डाउन और 15 अप ट्रेनें शामिल हैं उनको खसूसी और स्पेशल ट्रेन का दर्जा दिया गया तो उनका किराया भी जो स्पेशल है वो लिया जाएगा। अगर इनको खसूसी ट्रेन का दर्जा ना दिया गया तो इनका किराया है वो नॉर्मल जो पहले ही मौजूद था वो होगा। और इसराइल का कहना है कि 30 ट्रेनें हैं वो चलाई जाएंगी जिनके अंदर ग्रीन लाइन, पाक बिजनेस, कराक्रम, शाह हुसैन, इस्लामाबाद एक्सप्रेस, सबक रफ्तार, जाफर एक्सप्रेस और वाम एक्सप्रेस समेत दीगर ट्रेनें हैं वो शामिल हैं। और एसओपीज के हवाले से जो एक हदायत है वो वजारत रेलवे की तरफ से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर सीईओ रेलवे को और साल है वो की जा चुकी है कि तमाम किस्म के एसओपीज के ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, जिनके ऊपर ही कहा गया है कि टिकटें जो है वो ऑनलाइन दस्तयाब होंगी, तमाम दफातर जो रिजर्वेशन के वो बंद होंगे और मुसाफर जो है वो अपने साथ मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर और साबुन अपने साथ रखना उसके लिए लाजमी करार दिया गया है। और ट्रेन की रवानगी से एक घंटा कबल उसे लाहौर रेलवे स्टेशन और ट्रेन दिगर स्टेशन पर जो है वो आना पड़ेगा और मुसाफिरों के साथ जो उनके अजीज़ो कारब छोड़ने के लिए या लेने के लिए वो वहां पर बिल्कुल उनकी इजाजत है वो नहीं होगी। और ये भी कहा गया है कि जो लोग और जो मुसाफर जो है समाजी फासले की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनको दौरान सफर ही पहली मरतब 500 रुपए और दूसरी मरतब खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपए जुर्माना है वो किया जाएगा। उसके बाद तीसरी मरतबा जो मुसाफर को है नजदीकी रेलवे स्टेशन के ऊपर है वो उतार दिया जाएगा, जिसके ऊपर तमाम किस्म के एसओपीज हैं वो मुहैया किए जा चुके हैं। आप किरायानामे की बात करें तो कल रोज मंगल जो है इस वाले से किरायानामा है वो वाजा हो जाएगा और बुध के रोज जो है वो ट्रेन ऑपरेशन है लाहौर समेत मुल्क भर के रेलवे स्टेशन से है वो स्टार्ट होगा। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे बहावल नगर का, जहां डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद शेब खान जदून की जेर सदारत कोरोना से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। हुकूमत कोरोना के चैलेंज से निमटने के लिए तमाम तर वसायल और महकमा मुमकिन इकदाम बरवेकार ला रही है, ऐसा कहना था डेप्यूटी कमिश्नर का। जबकि उनका मजीद यह कहना था कि आवाम को कोरोना से बचाने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। जिला भर में कोरोना के 41 सेहतियाब हो गए हैं मरीज, जबकि 1561 मुश्तबा मरीजों के सैंपल्स ले लिए गए हैं। आपको अपडेट करें हैं बहावल नगर से, जहां डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद शेब खान जदून की जेर सदारत कोरोना से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। हुकूमत कोरोना के चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम तर वसायल और मुमकिन इकदाम बरूए कार ला रही है, ऐसा कहना था डिप्टी कमिश्नर का। जबकि उनका मजीद यह कहना था कि आवाम को कोरोना से बचाने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। जिला भर में कोरोना के 41 मरीज सेहतियाब हो गए हैं, जबकि 1561 मुश्तबा मरीजों के सैंपल्स ले लिए गए हैं। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां कोरोना वायरस के जेरे इलाज तबलीगी जमात के आखिरी 3 अफराद और एक ईरानी जायर भी सेहतयाब होकर घर चले गए हैं। कोरोना वायरस की मुकम्मल शिकस्त देकर सेहतमंद होने वालों की तादाद 115 हो गई है, मजीद 15 मरीजों में तस्दीक हो गई है। रहीम यार खान में कोरोना वायरस के जेरे इलाज मरीजों में से
72 का ताल्लुक तबलीगी जमात और 13 ईरानी जायरीन थे। तबलीगी जमात के आखिरी 3 अफराद और 1 ईरानी जायर भी मुकम्मल सेहतमंद होकर घर को चले गए हैं। रहीम यार खान में कोरोना वायरस को मुकम्मल शिकस्त देने वालों की तादाद 115 हो गई है। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस की मजीद 15 अफराद में तस्दीक हो गई है, जिनमें 7 के टेस्ट प्राइवेट लेबॉरेटरी से मस्बत आए हैं और 2 पुलिस एहलकारों और 2 रेंजर्स एहलकारों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 167 हो गई है। रहीम यार खान में 440 पुलिस एहलकारों के नमूने टेस्ट के लिए भिजवाए गए थे, जिनमें से 314 के मनफी, 3 में तस्दीक और 123 एहलकारों के टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। 159 रेंजर्स के एहलकारों के भी नमूने टेस्ट के लिए भिजवाए गए थे, जिनमें 61 के टेस्ट मनफी, 2 के मस्बत और 96 की रिपोर्ट का इंतजार है। आपको बताएं, सिटी न्यूज नेटवर्क के हेड ऑफिस में गेट्स फार्मा के जेर एहतमाम सिटी न्यूज नेटवर्क के मुलाजमीन में कोविड-19 की जदीद तरीन तरीके से स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी हवाले से मौजूद हैं नुमाइंदा रोही अफीफा नसरुल्ला जी। अफीफा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि सिटी 42 हमेशा से ही वर्कर्स का दोस्त रहा है और वर्कर्स की सेहत को सबसे अहम गर्दाना जाता है, तो आज इसी हवाले से सिटी 42 ने गेट्स फार्मा का यहाँ पर उनके इश्तराक के साथ आज यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है, जहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है कोविड-19 की। यहाँ पर ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर बेसिकली जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। उन सब की यहाँ पर हिस्ट्री कलेक्ट की जा रही है। 24 न्यूज़, 42, रोही, तमाम जितने भी इदारे हैं हमारे सब चैनल्स का, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सब चैनल्स के जहाँ पर वर्कर्स हैं, सब के सब यहाँ पर आए हैं। पहले आपको हिस्ट्री सेक्शन दिखाया है और अब ये वो वाला सेक्शन है जहाँ पर उनकी सैम्पलिंग ली जा रही है। यहाँ पर टेस्ट स्ट्रिप्स रखी गई हैं। ये सबसे रैपिड यहाँ पर इनके टेस्ट लिए जा रहे हैं। फौरी इनको टेस्ट लिए जा रहे हैं। 45 मिनट के अंदर उसका रिजल्ट दिया जा रहा है। इस रिजल्ट के बाद यहाँ पर एक तीसरा और सेक्शन बनाया गया है जो कि काउंसलिंग सेक्शन है। उस साइड पर ये जो सेक्शन है, यहाँ पर उनकी काउंसलिंग की जा रही है। अगर खुदा न खास्ता किसी को पॉजिटिव निकल आता है तो फिर उसका वहाँ पर उसको बताया जाएगा कि उसको क्या करना चाहिए, उसको साइकोलॉजिकली उसको देखा जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं फार्मा साहब, जो हमारी जिन लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाया है गैस फार्मा के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ये बताइएगा क्या तरीका कार है आपका, क्या ये हिस्ट्री आप ले रहे हैं? बड़ा अच्छे तरीके से आप इन लोगों को जान रहे हैं। जो ही ये पैंडेमिक जो है ना वो स्टार्ट हुई है, तो मोर देन जो है ना वो 100,000 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है ना वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए प्रोवाइड किए। इसके अलावा आज हमारे कितने वर्कर्स का आप टेस्ट लेगी? आज आपके जो है ना वो 200 वर्कर्स जो है ना, इनकी हम रैपिड स्क्रीनिंग जो है ना वो कर रहे हैं। ये बेसिकली एंटीबॉडी टेस्ट है, जिसमें के जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं इनको स्क्रीन किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि कोविड-19 जो है ना वो पॉजिटिव हैं। तो हमारे इस वक्त मोर देन 25 कोलीग्स यहाँ पे जो है ना वो मौजूद हैं, जो इस रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट को जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। जितने भी हमारे 41 के ये वर्कर्स हैं, ये सब उनके टेस्ट लिए जा रहे हैं स्ट्रिप्स के साथ। हमारे पास एक और हमारे वर्कर हैं, उनका भी ये आपके सामने बिल्कुल लाइव टेस्ट लिया जाएगा और इनका भी ब्लड के सैंपल भी लिया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इनका पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि नेगेटिव होगा। और सिटी 42, 24 न्यूज़, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के तमाम चैनल्स में जितने भी वर्कर्स हैं, उनका इसी तरह से हमेशा ख्याल रखा जाएगा। जी, गेट्स फार्मा की जानिब से ज़ेर एहतमाम सिटी न्यूज नेटवर्क के मुलाजमीन में कोविड-19 की जदीद तरीके से स्क्रीनिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया आफीफा नसरुल्ला, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी। आपको ये मुल्तान, जहां वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने देखा कि कल एक हमारे खत्ते में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जिस चीज को फैसिलिटेट कर रहा था, पीस प्रोसेस को, रिकंसिलिएशन प्रोसेस को, वो अल्लाह के फजल करम से उसका पहला मरला जो हमने अबूर किया था वो किया था दोहा में, जो कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट तय हुआ था। वो एक बहुत बड़ी पेशरफ थी, क्योंकि उस पेशरफ के पीछे वो सोच थी
कि अफगानिस्तान का जो मसला है वो बजोरे बाजू नहीं, सियासी पॉलिटिकल सेटलमेंट दरकार है और गुफ्तो शुनीद से अफगानिस्तान में अमन भी हासिल किया जा सकता है और इस्तेकाम भी हासिल किया जा सकता है। दुनिया पहले उस पर कायल नहीं थी लेकिन आज दुनिया उसकी कायल हो चुकी है और पाकिस्तान के इस मौकफ को सराहा गया और दोहा उसकी एक कल्बिनेशन थी। उसके बाद कुछ मसाइल अफगानिस्तान के अंदरूनी जो सियासी कशमकश थी उसकी वजह से वो पीस प्रोसेस जो है वो स्टॉल कर गया था, उसमें कुछ रुकावटें पैदा हो गई थी। उसमें दो चीजें होनी थी, रिलीज ऑफ प्रिजनर्स होने थे और इंट्रा अफगान डायलॉग का आगाज होना था। वो दोनों चीजें ना हो सकी बावजूद अंदरूनी अफगानिस्तान के हालात के। अल्लाह के फजलो करम से उसमें भी एक पेशरफ्त हो गई है और कल एक एग्रीमेंट तय पाया है सदर अशरफ गनी और जो उनके सबका चीफ एग्जीक्यूटिव थे अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब, उनमें एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट तय पाया है और उन्होंने एक फ्यूचर का गवर्नेंस का रिकंसिलिएशन का कैसे होनी है उसका एक फॉर्मूला तय कर लिया है।